नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर शॉर्ट में। दोस्तों आज मैं आया हुआ हूँ आईसीडी तुगलकाबाद में। यहाँ पे आपको मैं देख रहे होंगे मेरे पीछे जो ये जितने भी ये ऊपर वो आप देख रहे हैं उधर साइड कोने पे, वो कूड़े का यहाँ पे जो दिल्ली में कूड़ा वगैरह होता है मतलब जो फिकता है वहाँ पे, ये एमसीडी का वो पहाड़ है तो इसके पीछे अपना ये आईसीडी तुगलकाबाद है। आप देख रहे होंगे वहाँ पे फ्लैग लग रहा है जो अगर आपको नज़र आ रहा होगा, वरना आपको वहाँ पे भी आपको मैं जाके दिखाऊंगा कि आईसीडी का जो ये बिल्डिंग है सारी वहाँ पे, वो भी आपको जाके वहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ ये आप जो ट्रांसपोर्टर वगैरह खड़े हुए हैं यहाँ पे जो आईसीडी के बाहर जो गेट इन से पहले जो वेट करते हैं जैसे मूवमेंट का कोई होता है, और यहाँ पे जो इनका गाड़ियाँ खड़ी होती हैं ट्रांसपोर्टर की, तो यहीं से इसी जगह से जैसे कोई बुक करते हैं कि मूवमेंट के लिए कोई जैसे कंटेनर एम्प्टी कंटेनर यहाँ पे यार्ड में पड़ा हुआ है और या फिर जैसे इनको मूवमेंट करनी और कहीं, और तो सारा जो मूवमेंट होती है यहीं पे खड़े होकर यहाँ पे उन जो उनका ट्रांसपोर्टर का ऑफिस होता है वहाँ जाके लोग उनको कांटेक्ट करते हैं और यहाँ से अपने गाड़ी भेजते हैं आगे। ठीक है, तो ये यहाँ से अपने गाड़ी लेके आप देख रहे हैं कुछ गाड़ियाँ खाली भी खड़ी हैं और कुछ गाड़ियों पर कंटेनर ऊपर रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो कंटेनर रखे हुए हैं इनके जो एम्प्टी कंटेनर हैं मूवमेंट के लिए दिए हुए हैं, तो ये सारे वो कंटेनर्स हैं और ये जो गाड़ी खाली हुई है इनका अभी कोई बुकिंग वगैरह नहीं है। कुछ गाड़ियाँ कुछ ख़राब भी हो रखी हैं, यहाँ पर रिपेयर का भी काम आगे चलता है तो वो भी मैं आपको दिखाऊं कि कहाँ पे रिपेयर का काम चल रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे उस साइड वो कोने पे वहाँ पे उस जगह ट्रांसपोर्टिंग का जो इसका रिपेयर का वर्क है चल रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ कंटेनर लोडेड कंटेनर भी खड़े हुए हैं जो कि फैक्ट्री में जाने हैं, और अगर ये और जो जिसे आप देख सकते हैं ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप कंटेनर देख रहे हैं इसमें सील लगी है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं ये इसमें सील लगी है, ये लोडेड कंटेनर है। ठीक है, तो ये गेट इन के लिए शायद खड़ा हुआ है यहाँ पे, और भी कुछ वर्क भी होते हैं, कुछ इंपोर्ट कंटेनर भी आते हैं तो वो कंटेनर्स भी यहाँ पे होंगे। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आईसीडी में होती हैं, यहाँ पे किस तरीके से इनका मूवमेंट होती है सारी चीज़ें आपको मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको यहाँ पे अगर ट्रांसपोर्ट मतलब गाड़ी आ रही है और किस तरीके से इंपोर्ट करनी है, किस तरीके से आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वर्क आपको कस्टम में जाके आपको जो कस्टमर सर्विस है उनसे जाके वो अपना जो कार्टिंग ऑर्डर है वो सब लेना पड़ता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, अगर पॉसिबल हुआ तो अंदर भी जाके मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे कुछ नहीं, अपना ये जो गाड़ी की कार्टिंग ऑर्डर लेना पड़ता है और गेट इन आपको मैं आगे दिखाऊंगा, वहाँ पे गेट इन का जो कंटेनर गेट इन होता है अंदर, तो वो गेट भी आपको मैं जाके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो देखिए मैं आ गया हूँ यहाँ पे आईसीडी तुगलकाबाद में, आप देख सकते हैं पीछे ऑफिस है कोनकोर कॉरपोरेशन का। ठीक है, तो यहाँ से ही सारा जो ये ऑफिस है यहीं पे ही अपना जो डॉक्यूमेंट्स वर्क होता है जो शिपिंग बिल वगैरह जो फाइल होता है सारा यहीं पे ही होता है। आप देख सकते हैं इधर साइड एग्जिम सेल है पीछे, और सामने आप देख सकते हैं कस्टम फैसिलेशन का सेंटर है, ये कस्टमर सर्विस है। ठीक है, तो अभी तो ये क्लोज़ किया हुआ है, आज संडे को आया हुआ हूँ मैं यहाँ पे, तो मैं आपको ये वीडियो शूट करने के लिए मैं आपको कि किस तरीके से यहाँ पे गेट इन वगैरह होता है कंटेनर, और यहाँ पे एक एग्जिम सेल है मैं आपको दिखा देता हूँ। जो आप देख सकते हैं ये एग्जिम सेल है, इसके अंदर ही सारा शिपिंग बिल वगैरह सब यहीं पे डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है। यहाँ पे अलग अलग काउंटर हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे अंदर। तो ये यहीं पे अंदर जो आप काउंटर देख रहे थे यहीं पे ही सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिया जाता है, यहीं पर सारे कार्टिंग वगैरह मिलते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है एक सारा कैंटीन एरिया है, और यहाँ पे नीचे अपना जो अब नीचे वहाँ पे देख रहे हैं वहाँ पे अपना जो सीएचएक वगैरह बैठते हैं, तो ये जो आप देख रहे हैं सामने जो जगह है यहाँ पे अंदर बेसमेंट है, यहाँ पे सीएचएक वगैरह बैठते हैं। ये अपना जो है कंटेनर अंदर गेट इन के बाद यहाँ पर अपना स्टोर किए जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पीछे ये सारा कंटेनर अंदर, ये सारा इम्पोर्ट वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर सारा कंटेनर अंदर लेके यहाँ पे साइड में रखा रहता है। कुछ ऑक्शन वाले भी होते हैं कुछ सारे कंटेनर, कुछ एम्प्टी कंटेनर भी अंदर होते हैं, कुछ वे सीएफएस का भी अंदर जगह है। तो इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ये जो आप गेट देख रहे हैं ये इंपोर्ट जो कंटेनर जो एक्सपोर्ट करने के लिए जो आते हैं कंटेनर यहाँ से इसी गेट से गेट इन होते हैं। गेट पर जो इनका गेट पास वगैरह चेक करते हैं वहाँ से, अपने जो अभी मैंने दिखाया था वहाँ जाके ये अपना
गेट पे गेट पास बनवा के यहाँ से गेटिंग कराते हैं, ठीक है। और दूसरा गेट भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। अभी तो यहाँ छुट्टी है तो यहाँ पे सब लोग, यहाँ पे जो पार्किंग है वैसे अभी यहाँ पे क्रिकेट चल रहा है। मैं आ गया हूँ दूसरे गेट के पास जहाँ से जो इम्पोर्ट कंटेनर है वो अपना जो बाहर निकलते हैं यहाँ से, ठीक है। लोडेड कंटेनर बाहर निकलते हैं, यहाँ पे सारा चेकिंग वगैरह होके सारा कंटेनर यहाँ पे बाहर निकलता है। और जो गाड़ियाँ जो जो माल छोड़ने आती हैं, जो डॉग स्टफिंग होती है, वो कंटेनर भी यहीं से बाहर आते हैं, मतलब सॉरी गाड़ियाँ जो होती हैं वो यहीं से बाहर आती हैं। तो फाइनली मैं घर पे पहुंच चुका हूं और देखा होगा कि आपने कैसे आईसीडी में जो वर्क होता है, कैसे ट्रांसपोर्टेशन का मूवमेंट होता है, सारी चीज़ आपको समझ आया होगा। किस दिन टाइम मिलेगा तो आपको अंदर का भी आपको सारा जो कौन कौन से ऑफिस कहाँ पे हैं और किस चीज़ के लिए हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स के लिए हमें कौन सा काउंटर पर जाना पड़ता है वो चीज़ भी आपको मैं बताऊँगा, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि हमारी नई नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।